सो इस एक्सरसाइज का काम होता है हमारी बाइसेप्स की पीक बनाने में। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ बाइसेप्स वर्कआउट। तो जिन लोगों को अपने बाइसेप्स को ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है, मैं आज उन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँगा और उन एक्सरसाइजेस को किस तरह से परफॉर्म करना है ताकि आपके बाइसेप्स पर अच्छा असर आए। तो मैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँगा जिससे आपकी बाइसेप ग्रोथ अच्छी होगी। सो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं जो भी आपको बताऊंगा अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की हेल्प से बताऊंगा। सो हमारी आज की सबसे पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेट रॉड केबल कर्ल्स। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इस एक्सरसाइज को बहुत ही कंट्रोल के साथ परफॉर्म करता हूँ ताकि हमारे बाइसेप्स में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और एक अच्छा स्ट्रेच मिले। इस एक्सरसाइज में हमारे बाइसेप्स के लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों ही ट्रेन होते हैं और इस एक्सरसाइज के मैं 15 रेप्स के 3 सेट्स लगाता हूँ। लेकिन इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय आप ये ध्यान रखें कि आपकी बॉडी मूव नहीं होनी चाहिए, यानी आप जो वेट केबल से उठा रहे हैं उस पर बॉडी का मोमेंटम नहीं लगना चाहिए, वरना जो इस एक्सरसाइज से आपके बाइसेप्स पे फ़ायदा होता है वो आपको नहीं होगा। सो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं मैं इसको ऑल्टरनेट तरीके से चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा होता है कि जब आप अपने एक हाथ के बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका पूरा फोकस अपने एक हाथ के बाइसेप पे होता है और आपका मसल माइंड कनेक्शन अपनी मसल के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे हमारी मसल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। इस एक्सरसाइज को करते समय आपको एक और बात पे ध्यान देना है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जिस डंबल से बाइसेप कर्ल्स निकाल रहा हूँ उसको जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो अपने जो आर्म को बाहर की तरफ पुश करता हूँ, मतलब बाहर की तरफ रोटेट करता हूँ ताकि मेरे जो शॉर्ट हेड पे है वो ज़्यादा फोकस आए और मेरा शॉर्ट हेड ग्रो करे। और इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 रेप्स के 3 सेट्स लगाने हैं। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है डंबल हैमर कर्ल्स। तो इस एक्सरसाइज का मेन गोल हमारी ब्रेकियालिस मसल को ट्रेन करना होता है। तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में नहीं रखते हैं। आगे क्या है? तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में नहीं रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक्सरसाइज यूजलेस है, बट इस एक्सरसाइज का हमारे बाइसेप्स को ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस एक्सरसाइज को आप अपने वर्कआउट रूटीन में ज़रूर ऐड करें और इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करें ताकि आपकी ब्रेकियालिस मसल अच्छे से ग्रो हो सके। और इस एक्सरसाइज को आप मेरी तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैं इसको दोनों हाथों से साथ में परफॉर्म करता हूँ। आप इसको ऑल्टरनेट भी चला सकते हैं अगर आपको मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनाना है तो। सो हमारी आज की चौथी और लास्ट एक्सरसाइज है, उसका नाम है इंक्लाइंड बाइसेप कर्ल्स, और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज है। सो इस एक्सरसाइज का काम होता है हमारी बाइसेप्स की पीक बनाने में। तो सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज के लिए एक बेंच लेनी है और उसको एक इंक्लाइंड पोस्चर में सेट कर देना है। फिर आप दो लाइट वेट के डंबल्स लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करते समय आप हैवी वेट नहीं चला सकते हैं क्योंकि आप मोमेंटम यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपके जो दोनों हाथ हैं वो एक ही जगह पे स्टिफ रहेंगे। तो उस पे उस बेंच पे लेट के, मतलब बैठ के बॉडी को इंक्लाइंड पोजीशन में ला के और फिर इस एक्सरसाइज को इस तरह से परफॉर्म करना है। तो आप इसको ऑल्टरनेट भी चला सकते हैं और साथ में भी चला सकते हैं, जैसा मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया है। और ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज इसलिए भी है क्योंकि आप इसमें अपने बाइसेप्स को बर्न होते हुए फील कर सकते हैं और अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको आपके बाइसेप में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सो मैं चाहता हूँ कि आप इन एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करें ताकि आपको इन एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स मिल सकें। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बिल्ड मसल, स्टे हेल्दी।